हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल, इट्स मी निदा। तो कैसा लगा ये आई मेकअप लुक, पसंद आया ना? इफ़ यू वांट टू नो कि इस लुक को मैंने कैसे क्रिएट किया है, सो कीप ऑन वाचिंग। वीडियो में जाने से पहले मेक श्योर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आए तो, और मेरे चैनल पर अगर न्यू है तो काइंडली सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। नोटिफिकेशन बेल आइकन हिट कर दें ताकि आपसे मेरी वीडियोज़ मिस ना हो। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, उसका हैंडल है निदा रज़ा 61। फॉलो मी देयर फॉर मोर अपडेट्स। ओके, सो विदाउट एनी वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज़ करी हूँ कंसीलर, वेट एंड वाइल्ड का फ़ोटो फोकस कंसीलर है। इससे मैं अपनी ऑल ओवर आईलेट, अंडर आई, ब्रिज ऑफ द नोज़ पे अप्लाई कर लूँगी और अच्छे से फिंगर की हेल्प से ब्लेंड करूँगी और एक ब्रश की हेल्प से भी। आफ्टर दैट आई एम यूजिंग बालावास्टिका कॉम्पैक्ट एंड मेरा इसमें शेड है आइवरी। इसके बाद मैंने लिया है ये ब्राउन कलर का शेड, चॉकलेटी ब्राउन काइंड ऑफ अ शेड। आप किसी भी पैलेट से इस कलर का शेड पिक कर सकते हो और मैं इसे अपनी डायरेक्टली क्रीज में डिपॉजिट करूँगी। पहले मैं कलर को प्लेस करूँगी और उसके बाद हल्के हल्के स्ट्रोक्स में अच्छे से कलर को ब्लेंड करूँगी। आई मेकअप को शार्प दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे सेलो टेप यूज़ किया है आउटर वी पर। उसके बाद मैं ये लाइट ब्राउन सा शेड पिक कर रही हूँ सेम पैलेट में से और इसे आउटर वी पे और जो मैंने क्रीज में कलर अप्लाई किया है उससे ठीक नीचे ब्लेंड करूँगी और अप्लाई करूँगी। अब नेक्स्ट सेम पैलेट से मैंने पेंसिल ब्रश में लिया है एक ब्लैक कलर का शेड और आप इसमें जो ब्रश भी यूज़ कर सकते हो और इसे मैं ठीक जहाँ पे लाइनर अप्लाई करते हैं उस डायरेक्शन से अप्लाई करूँगी। पहले मैं प्लेस कर रही हूँ, अगेन मैं ब्लेंड करूँगी इसे। अब नेक्स्ट मैंने सारे कलर्स को अच्छे से ब्लेंड कर दिया है, आप देख सकते हो सारे कलर्स वेल ब्लेंडेड हैं। नेक्स्ट मैंने पिक किया है डार्क ग्रीन शेड और इसे जिस जगह पे मैंने ब्लैक शेड अप्लाई किया था उसी के ऊपर हल्का हल्का सा डस्ट कर रही हूँ और अच्छे से सारे शेड्स को अगेन मैं ब्लेंड कर लूँगी। बाद मैंने सेम कंसीलर से अपनी आईलेट को कट किया है, 1/3 आईलेट को। उसके बाद मैं एजेस को ब्लेंड कर रही हूँ और सेम पैलेट में से ये डार्क ग्रीन एग्जैक्टली मैच करता हुआ मेरे हिजाब से इसे मैं अप्लाई कर लूँगी जहाँ पे मैंने कट क्रीज ड्रॉ किया था, सेम उसके ऊपर पैडिंग मोशन में। आउटर वी पे जो कलर फेड हुआ था अच्छे से मैं उसे रीअप्लाई करके ब्लेंड कर दूंगी और लोअर लैश लाइन पे भी सेम कलर्स को अप्लाई करती जाऊंगी। नेक्स्ट मैं मेबलिन का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, मेबलिन प्लस ओलिविया का मस्कारा। इससे मैं अच्छे से अपनी अपर और लैशेस पे एंड लोअर लैशेस पे अप्लाई करूँगी। मस्कारे को अप्लाई करने के बाद मैं यूज़ करूँगी काजल और यहाँ पे मैंने स्टैक्योर्की का आई लव यू टू काजल अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पे मैं अच्छे से अपनी वाटर लाइन पे अप्लाई कर लूँगी। आफ्टर दैट आई एम यूजिंग मेबलिन का लॉन्ग लास्टिंग ड्रामा जेल आईलाइनर और इसे मैं अपने अच्छे से एक विंग लाइनर ड्रॉ करूँगी और सेम लाइनर को मैं अपने लोअर वाटर लाइन में भी अप्लाई कर लूँगी। आप जेल लाइनर को एज अ काजल यूज़ कर सकते हो अपने काजल को इंटेंस दिखाने के लिए। नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ फॉल्स आई लैशेज और हेयर इज़ माई फाइनल फिनिश लुक। कैसा लगा, पसंद आया ना ये लुक? अगर वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल हो तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, नोटिफिकेशन बेल आइकन हिट कर दें ताकि आपसे मेरी वीडियोस मिस ना हो। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, उसका हैंडल है निदा रज़ा 621। एंड मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, बी हैप्पी। कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये लुक कैसा लगा। सी यू इन माई नेक्स्ट वन।